Hi guys, very good evening to all of you. कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया. Welcome to the class, guys. Hope all of you are doing great. Yes. आज हमारा है L3 और आज हम इस कक्षा की और इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे. अरे बाप रे, ये तो बहुत समाप्त होने के चक्कर में है. बच्चों, welcome to the class. आज हमारा L3 है, थर्ड सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ठीक है, तो इससे पहले हम दो सेशन कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा वो देख लो. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा है, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने ना कल अपने SME से बात करी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से. मैंने बोला क्या चल रहा है, वो कहते सर पूरा कोर्स खत्म होने वाला है, अब क्या करना है. मतलब समझ पा रहे हो, पूरा क्लास 12th का कोर्स सिलेबस खत्म कर दिया है हमने. ठीक है, और जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो, और जो देख रहे हैं वो देखते रहो, और जिन्होंने रिवाइज करना है वो रिवाइज करो. ट्रस्ट मी, आप मेरे से एक बार पढ़ लो, ठीक है, आपको और कुछ दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. यस, परफेक्ट. तो कूल गाइस, आज हम बेसिकली पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भैया इसमें से नीट 2022 में क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली. पॉपुलेशन इंटरेक्शन से हमें, सॉरी, नीट जो भी है 2022, 2023, 2024, 2025, कहीं पे भी तुम पढ़ रहे हो, जरूर इसमें से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तैयार? हमारे बच्चे बांग्लादेश से भी आ रखे हैं. वेरी गुड बेटा, वेलकम बेटा तजनीन, परफेक्ट. गाइस, मेरा नाम है अमृत राज, बायोलॉजी पढ़ाते हैं हम यहाँ पे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना, और अगर आप मैसेज भेजना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो अमृत अंडरस्कोर आर जे पे. ठीक है, आर वी गुड, परफेक्ट. चलो, तो पहली बात है भाई, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, कि भाई एक पॉपुलेशन में स्पीशीज इंटरैक्ट कैसे करते हैं. जैसे कि अगर हम दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्या है, आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, है ना, तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, बट आपको फायदा हो रहा है ना. फिर अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ते हो तो आपको ज्यादा फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है. ठीक है, सेम, समझ रहे हो. तो इट इज अबाउट कि किसका फायदा होता है, आपका फायदा हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, या फिर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है. तो ये वाली बातें इस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, बट जब स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्ट करते हैं तो फायदा ही होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है ना बच्चे. तो यस, तो स्पीशीज इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल. मतलब मान लो टीचर्स की अलग स्पीशीज है. बेटा मैं बताऊंगा, हिमांशु इतना ईजी कर दूंगा, तुमने सोचे भी ना होगी. ठीक है, तो देखो, ध्यान से देखो, तो जो इंटरेक्शन, जैसे कि हम टीचर्स की स्पीशीज हैं, आप लोग क्या हो, स्टूडेंट की स्पीशीज, हम लोगों की इंटरेक्शन बेनिफिशियल होती है, आपके लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है. ठीक है, अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे तो हमें अच्छा लगेगा. ठीक है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस. देन डेट्रीमेंटल होती है, अगर आप किसी नॉर्मल टिकटॉक वीडियो देखते हो तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल है, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है. ठीक है, देन कोई ऐसी वीडियो देखते हो जो न्यूट्रल है, मतलब उससे ना आपको बेनिफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो अभी देखते हैं. तो बेटा देखो, इंटरेक्शन ये बेसिक इस टाइप की होती है. मान लो स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, दोनों का फायदा हो रहा है, स्पीशीज ए का भी फायदा हो रहा है, स्पीशीज बी का भी फायदा हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म. क्या कहेंगे हम? म्यूचुअलिज्म कहेंगे. ठीक है, जब दोनों का फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा है, मेरा भी फायदा हो रहा है. दूसरा भाई, दोनों का नुकसान हो रहा है. ठीक है, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ग्रुप स्टडीज में दोनों मिलके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों का नुकसान. कंपटीशन में भी नुकसान, इसको कहते हैं कंपटीशन. जैसे कि जब आप स्कूल में अपने फ्रेंड से कंपीट करते हो तो क्या होता है, आपका भी नुकसान होता है, आपके फ्रेंड का भी नुकसान हो रहा होता है, दोनों का नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपटीशन. तीसरा, प्रेडेशन, एक का बेनिफिट दूसरे का नुकसान, इसको कहते हैं प्रेडेशन. समझ लो, जैसे कि कंटेंट में क्या होता है, जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट जो कंटेंट बना रहा है उसका बेनिफिट होता है. समझ रहे हो, तो जहां पे एक का नुकसान हो एक का प्रॉफिट हो उसको कहते हैं प्रेडेशन. हाँ, एक और होता है बेटा पैरासाइटिज्म, इसमें भी एक का नुकसान एक का फायदा होता है पैरासाइटिज्म. फिर आता है भाई सबसे अमेजिंग कमेंसलिज्म, मतलब एक का तो फायदा हो रहा है बट दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, एक का फायदा हो रहा है बट दूसरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. फिर आता है भाई अमेंसलिज्म, किसी की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है बट दूसरे को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इन सबके एग्जाम्पल्स बेटा पेपर में आते हैं.
समझ रहे हो? म्यूचुअलिज्म क्या है? दोनों का फायदा, कॉम्पिटिशन दोनों का नुकसान, प्रेडेशन पैरासाइटिज्म एक का बेनिफिट एक का नुकसान, कमेंसलिज्म एक का बेनिफिट दूसरा न्यूट्रल, अमेंसलिज्म एक का नुकसान दूसरा न्यूट्रल। मजेदार हिमांशु समझ आ गया मेरे बच्चे? हिमांशु इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है? कमेंसलिज्म में यही होता है, सॉरी अमेंसलिज्म में ये गाना फिट होता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है? तो ये हो गया एमेंसलिज्म। समझ आया बेटा? मजा आया नहीं? अरे यार हंसता नहीं मेरी जॉक पे, मैं क्या करूँ? चलो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लगा तो। यस ठीक है, आगे आ जाओ, देखते हैं भाई हम प्रेडेशन, ठीक है? प्रेडेशन क्या होता है भाई? जैसे कि लायन, देखो हमारा भाई ये लेपर्ड है, लेपर्ड ने इसको खा लिया, ठीक है? ये था प्रेडेशन, समझ लो इसका तो पेट भर गया बेचारे का, इसकी तो जिंदगी चलेगी, तो इसका हो गया नुकसान, इसका हो गया पॉजिटिव, हाँ कि ना? यस, तबज्जुम को भी समझ आ गया, इजी बेटा। तो ये प्रेडेशन हो गया, समझ लो एक का फायदा दूसरे का नुकसान। इट्स अ रिलेशनशिप, वन स्पीशीज डिपेंड्स ऑन एंटायरली ऑन द अदर फॉर इट्स फूड एंड सर्वाइवल। इसमें क्या हुआ? ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इसके फूड में, ये इसका खाना है, तो बेचारा इसके लिए तो नुकसान है, इसके लिए फायदा है। द स्पीशीज विच फीड्स, जो खाता है उसको प्रेडेटर कहते हैं, और जो बेचारा डिनर बन जाता है उसको प्रे कहते हैं। समझ रहे बेटा? ये बेचारा हमारा हो गया प्रे, क्यों? क्योंकि ये खाना बन गया, ये क्या है हमारा? प्रेडेटर। क्यों? ये डिनर करने वाला, ये डिनर है, समझ लो? डिनर करने वाले को प्रेडेटर कहते हैं, जो डिनर बन जाता है उसको प्रे कहते हैं, ठीक है? टाइगर एंड डियर आर एग्जांपल, है ना? Although एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स ईटिंग प्लांट आर हर्बीवोर्स, ये मैं पता है, बट एनिमल भी तो उसको खा रहे हैं, तो प्लांट का तो नुकसान ही है। यस, तो इससे होता क्या बेटा? प्रेडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। इट एक्ट्स एज कॉन्ड्यूट, कॉन्ड्यूट मतलब होता है चैनल, इट एक्ट्स एज चैनल फॉर एनर्जी। प्लांट्स एनर्जी इसमें गई, इससे एनर्जी इसमें गई, समझ बेटा? तो एनर्जी नहीं मिलेगी ना अगर ये फूड चेन नहीं बन पाए, इसको इसने खाया, तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है? परफेक्ट। नाउ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। मतलब ध्यान से सुनो, ये क्या करते हैं भाई? ये मेंटेन करके रखता है कि स्पीशीज के नंबर कितने होने चाहिए। इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ये हेल्प करता है कि भाई मेंटेन कर सके स्पीशीज का नंबर को, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज इंटेंस, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है? समझा बच्चे? यस, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज का पॉप। अगर मान लो लायन नहीं खाता डियर को, तो क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना? फिर डियर की बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? डियर सारी घास खा जाएंगे, सारी घास खा जाएंगे तो क्या होगा? सॉइल इरोशन हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी जिंदगी में, ठीक है? तो जरूरी होता है प्रेडेशन भी। नाउ द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1920s कॉज्ड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग। मतलब समझ रहे हो, ये बेचारा प्रिकली, ये कैक्टस इन्होंने इंट्रोड्यूस करा ऑस्ट्रेलिया में, और ये भाई फैल गया, बहुत ज्यादा फैल गया, ठीक है? फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा इन्होंने? इन्होंने एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ को लाए, समझ लो, ऐसा एक इंसेक्ट लाए जो कैक्टस को खा जाए, कैक्टस को खा जाए, तो उससे इन्होंने इसको कंट्रोल करा। समझ पा रहे हो बेटा क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ये बहुत हमारी हेल्प करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। हेल्प करता है कि भाई इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, प्रे की पॉपुलेशन को। इस केस में प्रे क्या था भाई? कैक्टस था हमारा प्रे। इस केस में क्या था? कैक्टस हमारा प्रे था, समझे? यस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो, वेरी गुड। आगे आ जाओ भाई। नाउ इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश पिसास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर। स्टारफिश क्या है? एक प्रेडेटर है।
In a field experiment when starfish were removed in the intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct without air because of interspecific competition. मतलब ध्यान से सुनो, स्टारफिश क्या करते हैं भाई? स्टारफिश इसको खाता था, इनवर्टिब्रेट्स को खाता था. इन्होंने क्या करा भाई? स्टारफिश को हटा दिया, समझ रहे हो? तो इनवर्टिब्रेट्स भाई गायब हो गए, कम हो गए. क्यों? क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा हो गया, वो आपस में ज्यादा मर गए. तो स्टारफिश क्या कर रहा था? इनको कंट्रोल में रखता था, समझ रहे बेटा? तो तभी कहते हैं किसी भी चीज का एक्सटिंक्ट होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्ट होना इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, इट विल कॉज इकोलॉजिकल इंबैलेंस. आगे आ जाओ. प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट. आपने सुना होगा प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई ऐसा नहीं कि वो पूरा खाना खा जाए, दे आर केयरफुल. प्रूडेंट मतलब उतना ही खाते हैं जितना उनको जरूरत होती है, ज्यादा नहीं मारते, समझ रहे हो? इफ प्रीडेटर्स आर टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट, अगर मान लो प्रीडेटर्स ने सारे प्रे को खा लिया, दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट. फॉलोइंग दैट प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड. दिस इज द रीजन दे आर प्रूडेंट, समझ रहे हो? उनको पता होता है कि भाई मान लो एक लायन है, उसने सारे डियर को मार दिया, डियर एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसको फ्यूचर में खाना कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा. इसलिए वो एक टाइम पे एक को ही मारता है और एक को ही खाता है. समझो मेरी बातों को. तो ये प्रूडेंट होते हैं, ठीक है? परफेक्ट. अब आ जाओ. अब भाई प्रे क्या चुपचाप मरते रहे? ऐसा भी नहीं है. तो प्रे ने क्या करा भाई? उन्होंने अपने डिफेंस मैकेनिज्म इजाद कर लिया, उन्होंने अडैप्ट कर लिया, दे हैव डेवलप्ड सम डिफेंस मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल कैमोफ्लाज. कैमोफ्लाज मतलब बैकग्राउंड में छुप जाना. देख रहे हो ये हमारा फ्रॉग छुपा हुआ है बैकग्राउंड में ताकि इसको कोई खा ना पाए, है ना? सम आर पॉइजनस, देयर वाय अवॉइडेड बाय द प्रेडर्स. कुछ इंसेक्ट पॉइजनस होते हैं तो उनको कोई खाना नहीं चाहता, समझ रहे हो? तो वो पॉइजनस है. जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल, तो मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड्स खाना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है डिस्टेस्टफुल है, खा के उल्टी आती है, गंदा टेस्ट, समझ रहे हो? तो प्रे ने भी भाई अपनी बचत के लिए नुस्खे निकाल रखे कि भाई मैं तो बच जाऊंगा या मैं बच जाऊंगी, समझ रहे हो? फिर यस, बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड. तो ये बटरफ्लाई ऐसा टेस्ट कैसे निकालता है भाई? बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड. जब वो कैटरपिलर होता है वो एक वीड को खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर ये डिस्टेस्टफुल आ जाता है. मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. नाउ फॉर प्लांट हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर्स. नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस. फाइटोफैगस मतलब प्लांट्स को खाने वाले, है ना? अब भाई प्लांट की दिक्कत क्या है? वो भाग नहीं सकते तुम्हारी तरह. मान लो अगर कोई टाइगर खाना है तो वो भाग जाएगा, ठीक है? बट भाई लेकिन ये प्लांट कैसे भागे? भाग नहीं सकते. देयरफॉर दे हैव इवॉल्वड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर. तो इन्होंने क्या करा है भाई? एक क्या मॉर्फोलॉजिकल, भाई प्लांट कैसे भाग सकता है? प्लांट तो चल नहीं सकता ना, निकाला हुआ है. एग्जाम्पल थॉर्न्स. प्लांट में भाई कांटे होते हैं ताकि कोई उनको ना खा पाए. कुछ प्लांट कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको खाने के बाद अगर मान लो किसी ने उसको खा लिया तो वो सिक हो जाएंगे. दे बिकम सिक, इनहिबिट फीडिंग एंड डिस्टर्ब रिप्रोडक्शन और इवन किल इट. मतलब कुछ प्लांट में ऐसे टॉक्सिक होते हैं, अगर उसको गाय ने खा लिया तो वो मर जाएगी. एग्जाम्पल देखो, कैलोट्रोफिस ग्रोइंग इन अबैंडन्ड फील्ड प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट. समझ रहे हो? मतलब कैलोट्रोफिस क्या करता है भाई? एक पॉइजनस चीज बनाता है जिसको अगर खा लिया तो गाय हमारी मर जाएगी, समझ रहे हो? हार्ट अटैक आ जाएगा उसको. तो ये बहुत ही, समझ रहे हो? ये इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन कर रखी है टू प्रोटेक्ट दिस. बेटा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे भाई कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, म्यूचुअलिज्म है, प्रेडेशन है, कमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है, ऐसा, ठीक है? चलो अगला. फिर अब आता है अगला कंपटीशन. कंपटीशन ऑन द अदर हैंड इज व्हेन पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल फाइट फॉर फूड. जैसे कि ह्यूमंस में देख लो, हम लोग किस पे फाइट करते हैं? वी फाइट फॉर आईआईटी की सीट, जेई की सीट. तो इट इज नॉट गुड फॉर एनी वन ऑफ अस, है ना बेटा? इट्स बेस्ट डिफाइंड बाय फिटनेस ऑफ वन, है ना बेटा? कैसे डिफाइन करते हैं भाई कंपटीशन? कौन ज्यादा फिट है टू सर्वाइव? जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, जो स्ट्रांग होगा वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा. इसका मतलब उसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ
ज्यादा होगा, द आर विल बी हाई फॉर देम. द आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ विल बी हाई फॉर दोस ऑर्गेनिजम्स जो कि स्ट्रांग होंगे. ठीक है, अब देखो, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट. ये है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये गॉस अंकल क्या कहते हैं भाई, गॉस अंकल कहते हैं कि मान लो दो स्पीशीज हैं, वो आपस में कंपीट कर रही हैं, है ना वो आपस में कंपीट कर रही हैं, तो वो साथ में नहीं रह सकती. ठीक है, उनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा इवेंचुअली. एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो एक एबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड. ये टॉर्टोइस बेचारा था गैलापागोस आइलैंड में, वहां पे हमने ला दी ये बकरी बेचारी. ठीक है, बकरी है तेज तर्रार, बकरी क्या है तेज तर्रार, वो सारी घास खा गई बेचारा. मां टॉर्टोइस धीरे 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 चलता है. वो नहीं होता, तुम स्लो ईटर हो, तुम्हारा भाई फास्ट ईटर है, वो सारा खाना खा जाता है. तो बेचारी इस बकरी ने सारा खाना खा लिया, बेचारी टॉर्टोइस बेचारी को खाना नहीं मिला, मर गई, दिक्कत हो गई, समझ रहे हो. तो दोनों कंपीट कर रहे थे ग्रास के लिए, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, तो दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट. तो एबिंगडन टॉर्टोइस बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डेकेड, 10 साल में एक्सटिंक्ट हो गए विद इन द डेकेड ऑफ गोट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ गोट. मतलब गोट जो है भाग भाग के सारा घास खा गई, बेचारी हमारी टॉर्टोइस मर गई. इंटरेस्टिंग गाइस, यस, परफेक्ट. नेक्स्ट, मैकआर्थर सेड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मे बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज. मतलब रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तब ये ट्रू हो सकता है. स्पीशीज फेसिंग कॉम्पिटिशन में इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएक्सिस्टेंस एग्जिस्टेंस रैदर देन एक्सक्लूजन, एग्जाम्पल रिसोर्स पार्टीशनिंग. अब ये क्या बात हुई, नहीं तो भाई एक और अंकल आ गए, मैकआर्थर अंकल. ये बोले भाई जरूरी नहीं है अगर आप साथ में रह रहे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे, आप रिसोर्स पार्टिशनिंग भी कर सकते हो. मतलब जैसे कि आपको आप भाई तेज है आपसे, आप धीरे स्लो ईटर हो, बट आपने क्या करा, खाना मिलते ही इक्वली डिवाइड कर लिया पहले कि भाई ये तेरा ये मेरा. आपने क्या करा, रिसोर्स पार्टीशन कर लिया, जो मैगी थी या नूडल्स थे उसको आपने पार्टीशन डिवाइड कर लिया कि ये तेरा ये मेरा, तो कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग. ठीक है, यस, स्पीशीज आल्टर द यूज ऑफ द नीश टू अवॉइड कंपटीशन बाय डिवाइडिंग रिसोर्स अमंग देम. देखो फ्लेमिंगो क्या है, सबसे नीचे वाला खाना खाती है, डक उसके थोड़ा ऊपर, एवोसीट्स यहां पे, ऑयस्टर्स यहां पे, और प्लोवर्स एकदम बीच पे खा रहे, समझ लो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाके खाना खा रहे हैं. आगे देखते हैं, है ना, if two species compete for the same resource they could avoid competition by choosing different times of feeding, alag alag time pe khane aao. theek hai, yes, MacArthur ne show kara five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activity. matlab dekho ye hamari birds hai na, hai na, to ye alag alag jagah pe khati hai. समझ, देखिए रेड वाली बस नीचे यहां पे खाना खाती है, ये ऊपर को खाना खाती है, तो इन्होंने अपना पार्टीशन कर लिया है. अ स्मॉलर येलो बर्ड स्पीशीज फोरेजेस अक्रॉस द होल ट्री, येलो वाली पूरे ट्री में खाती है. लार्ज रेड स्पीशीज कंपीट्स फॉर रिसोर्सेस, रेड डोमिनेट्स द मिडल फॉर मोर अबंडेंस, रेड वो जो है यहां पे डोमिनेट करती है क्योंकि ये बड़ी बड़ी है तो यहां पे डोमिनेट करती है. येलो अडॉप्टेड अ न्यू नीश टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन, येलो क्या करता है, येलो बस ऊपर जाके खाना खा लेता है, समझ रहे, बचा कुचा खा लेता है, तो इसे करते हैं वो लोग कॉम्पिटिशन को अवॉइड कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग, परफेक्ट, चलो आगे चलते हैं. नाउ पैरासाइटिज्म, ये भाई देखो इसमें एक का पॉजिटिव होता है जो पैरासाइट होता है, दूसरे का नेगेटिव होता है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है. वन एंटिटी बेनिफिट फ्रॉम द अदर एंटिटीज एंड इज हार्म्ड बट नॉट नेसेसरीली किल्ड, मतलब वो मारता नहीं है, जैसे कि आपके सामने जुए होती है वो खून चूसती है बट आपको मारती नहीं है. ठीक है, द एंटिटी हार्म्ड इज द होस्ट एंड द वन बेनिफिटेड इज पैरासाइट. जैसे कि अगर मेरे सर पे जूं है तो मैं होस्ट हूं और वो जूं क्या है, मेरी पैरासाइट है. व्हेन द होस्ट इज किल्ड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज रेफर्ड टू एज पैरासाइटिज्म. जब आप होस्ट, ये ना, यस, होस्ट मर भी सकता है, जनरली वो मारते नहीं होस्ट को क्योंकि उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट, एक होता है एंडो पैरासाइट.
एक्टोपैरासाइट मतलब जो आपकी बॉडी के बाहर से आपके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, दे टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आउटसाइड। एंडोपैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। एक्टोपैरासाइट्स टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आउटसाइड, आपकी बॉडी के आउटसाइड से। एंडोपैरासाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एक्टो पैरासाइट। लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, है ना। कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट ऑफ प्लांट, समझो। लाइस मतलब जुए ऑन ह्यूमन एंड डॉग्स। कस्क्यूटा क्या है, देख रहे हो, ये बड़े से प्लांट में ये छोटे छोटे जो ग्रो कर रहे हैं ना, ये पैरासाइट है ऑन द प्लांट। एक बड़े प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। एंडो पैरासाइट आपको पता ही है यार, जैसे कि यू नो बैक्टीरिया चला गया या कोई वर्म आपकी बॉडी में चला गया, दीज आर ऑल एंडो पैरासाइट, है ना। एस्केरियासिस, बुचेरियासिस, ये सब क्या पैरासाइटिक डिजीज। एक होता है भाई ब्रूट पैरालाइज, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें क्या करती है भाई, कुकू नहीं है, कुकू बर्ड, कुकू या कोयल, वो क्या करती है अपने अंडे बेचारे कौवे के नेस्ट में डाल देती है। कुकू क्या करती है भाई, बहुत शैतान है, अपने अंडे को कौवे के नेस्ट में डाल देती है, मतलब अपने बच्चे को दूसरे के घर में छोड़ आती है, और बेचारा कौवा उसको पाल पोस के बड़ा करता है, फिर उसको ले जाती है बच्चे को। तो ये दिक्कत है, समझ रहे हो। पैरासिटिक बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट। During the course of evolution, the egg parasitic bird have evolved resemble host again size and color. कुकू का बर्ड भाई एकदम उसके कौवे के बर्ड के अंडे की तरह लगता है, उसको पता भी नहीं चलता कौवे को। Predict the chance of host bird take the foreign eggs ejecting from the nest. समझ रहे हो, तो उसका अंडा जो है कौवे के अंडे की तरह ही लगता है, ताकि कौवा उसको पहचान के बाहर ना फेंक दे। ये होता है बेटा कुकू और कौवा, कौन है चलाक, कुकू चलाक है, कौवा बेचारा हमारा इनोसेंट है। कौवा लोगों को लगता है कि भाई खराब होता है, बट कौवा इनोसेंट है यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रही है बातें मेरी, कि ऐसे लग रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ये, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कमेंसाइल्स। मैंने बताया था जैसे कि मान लो ये गाय है ना बेटा, गाय और ये बर्ड दिख रही होगी आपको। गाय क्या करती है, गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, तो क्या होता है, गाय जब घास खा रही है तो क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल आते हैं। गाय घास खा रही है, छोटे कीड़े बाहर निकल के आ रहे हैं, है ना बच्चे। तो क्या होगा, गाय घास खा रही है, छोटे कीड़े बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, ये कीड़ों को खा जाती हैं। क्या कहती हैं, कीड़ों को खा जाती हैं। तो गाय का तो कोई फायदा नहीं होता, गाय तो अपना मस्त खा रही है, और ये कीड़े जो निकल के आ रहे हैं इसका फायदा हो जाता है बर्ड का। तो इसको कहते हैं हम कमेंसालिज्म। गाय का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमारी चिड़िया को कीड़े मिल गए, समझ रहे हो, मजेदार चीज है ना बेटा। वन स्पीशीज बेनिफिट्स व अदर वन इज नेदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। जैसे कि हमारी गाय बेचारी जो हमें देख रही है, इसका कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, नहीं हार्म हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, मतलब मैंगो की ट्री पे अगर ये ऑर्किड ग्रो करता है तो मैंगो को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऑर्किड को फर्क पड़ता है, उसको बेनिफिट होता है। बर्नैकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल, बर्नैकल बेटा एक टाइप का होता है जो वेल की बॉडी में लगता है, ठीक है, ऑयस्टर टाइप का लगता है ना, आपको दिखेगा। कैटल इग्रेट ग्रेजिंग ऑन द कैट, देखो कैटल इग्रेट ये बर्ड है ना बेटा, एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अ कैटल मूव वेजिटेशन इनसे कम आउट, अदरवाइज डिफिकल्ट फॉर द इग्रेट्स टू कैच, मतलब जब कैटल मूव करता है और खाता है तो इंसेक्ट्स बाहर आती हैं जो कि उसको खा लेता है ना बेटा। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, Stinging tentacles of sea anemone give protection to the fish from the predators. देख रहे हो, ये हमारी फिश है, ये हमारे you know sea anemone है, ये इसको बचाते हैं हमारी मछली को, बेचारी को, है ना, मछली जल की रानी, इसको बचाते हैं from the predators. आसान। अब आ गया भाई हमारा mutualism, दोनों पॉजिटिव, दोनों का benefit होने वाला है यहाँ पे। Mutualism में क्या होता है भाई, दोनों का benefit होता है। कैसे होता है देखते हैं, lichen, इसमें क्या होता है बेटा, it is between algae and fungi. Lichen is a, yes guys, क्या है, between algae and fungi, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, algae जो है fungus को food provide करता है, और fungus जो है इसको place to stay provide करता है, समझे। Yes, lichens में क्या होता है बेटा, it is association between algae and fungi, alga इसको खाना देता है, fungus उसको रहने की जगह देता है, fungus, तो mutualism हो गया। तो mycorrhiza, ये क्या होता है बेटा, फंगस एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट, कोई बड़े प्लांट है उनके रूट में फंगस लग जाती है, तो फंगस क्या करता है, हेल्प करता है
हायर प्लांट टू अब्सॉर्ब फॉस्फोरस, और प्लांट क्या करता है उसको रहने की जगह देता है फंगस को, समझ रहे हो? तो दोनों की मिली भगत जाती है. फंगाई अब्सॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट व्हाइल प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स फंगाई विद कार्बन. वो फंगी को खाना देता है और फंगाई हेल्प करता है प्लांट को अब्सॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को. इंटरेस्टिंग. एक और एग्जांपल देख लो, फिग ट्री एंड वॉस्प. फिग ट्री का एक फ्रूट होता है ना, ये वॉस्प क्या करता है, वॉस्प अपने अंडे देता है इसके यू नो फ्रूट के अंदर, और ये जब अंडे देता है ये पॉलिनेट कर देता है इसके प्लांट को, समझ रहे हो? द फीमेल वॉस्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर द सूटेबल एग लेइंग साइट. वॉस्प क्या करती है भाई, पॉलिनेट कर देती है ना, जब ये ढूंढ रही होती है जगह टू ले एग्स. द फिग ऑफर्स वॉस्प सम डेवलपिंग सीड्स एंड फूड फॉर द न्यू वॉस्प लार्वा. अब ये फिग ट्री क्या करता है भाई, उसको फूड प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग लार्वा. इंटरेस्टिंग. परफेक्ट. म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्शन. प्लांट और एनिमल बेटा कैसे म्यूचुअलिज्म करते हैं, प्लांट उसको खाना देता है और उसको लाइक प्लांट हनी बी को नेक्टर देता है और हनी बी पॉलिनेट कर देता है बेटा. ऑर्चिड्स शो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, दे अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट टू एंश्योर पॉलिनेशन. नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड. समझ रहे बेटा. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है, एक है मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस, है ना. ये करती है बेटा धोखा करती है, ये ये करती है धोखा, सेक्सुअल डिसीट. बेटा माय नेम इज अमृत राज, है ना, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी इज अमृत अंडरस्कोर राज, ठीक है. तो ये क्या करती है बेटा, म्यूचुअलिज्म, ये सेक्सुअल डिसीट करती है, धोखा देती है. मतलब ध्यान से देखो, ये जो फ्लावर है ना बेटा, इसका एक पेटल जो है बी की तरह होता है, इसका एक पेटल बी की तरह होता है. तो मेल जो होता है ना बेटा, मेल, वन पेटल ऑफ इट फ्लावर रिजेंबल्स फीमेल बी, मेल बी सूडो कोऑपरेट विद द फ्लावर एंड डस्टेड विद पोलन. मतलब जैसे कि वो नहीं था लड़की का चक्कर है बाबू भैया, तो हमारा मेल भी बेचारा ऐसा पेटल को देख के जो कि फीमेल बी की तरह आता है, इसको पॉलिनेट करता है, ट्री पॉलिनेट हो जाता है, बट उसके साथ धोखा हो जाता है बेचारे के साथ. सूडो कोऑपरेशन मतलब, समझ रहे हो बेटा, सूडो कोऑपरेशन मतलब इट वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस द मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल, बट वो कर नहीं पाता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता, क्योंकि भाई वहां पे तो ये धोखा हो गया बेचारे के साथ, ठीक है. यस. When it pseudo cooperates with the other flower, it transfers the pollen. मतलब बेचारे के साथ धोखा हो जाता है और वो pollen grain को transfer कर देता है, है ना? Very interesting concept है pseudo copulation. Yes. If the female bee's color pattern changes slightly during the evolution, the pollination success will be reduced unless orchid flower co-evolves and maintains the resemblance. मतलब ध्यान से सुनो, अगर female bee का color change होता है, तो उसी के साथ साथ इसके भी color को change होना पड़ेगा, तभी ये pseudo copulation चल पाएगा. जोरदार तालियां बजाई जाए बच्चों. यस yes. फटाफट से तेज तेज तालियों के साथ हमारा स्वागत करा जाए. कैसा लगा सेशन? एंड चैप्टर खत्म हो गया, बताओ मजा आया? नहीं बेटा, मैं बस अमृत राज हूं, पुरोहित नहीं हूं. मजा आया सेशन में? यस बेटा, अगर सेशन में मजा आया तो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कराया हुआ है, ठीक है. Yes. तो आज तो तीसरा सेशन था, है ना बच्चों? अरे कहां गया? ठीक है, वेल डन, परफेक्ट. ठीक है बच्चों, आई होप यू लाइक द सेशन. आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको एग्जांपल देना है वो, गिव एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म इन द कमेंट बॉक्स. हिमांशु को तो मजा आ गया, कविता को भी मजा आ गया, है ना बेटा? तो पूरा का पूरा सेशन मैंने कराया हुआ है, ठीक है, L1, L2, L3, ठीक है. आज L3 था, वो देख लेना. एंड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन वेदांतूस 1 year कोर्स, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है. पूरा का पूरा मैंने कोर्स कराया हुआ है वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, मतलब इसी चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब पे ही मैंने पूरा का पूरा कोर्स कराया हुआ है. आपको दिखाना चाहूं तो दिखाता हूं मैं, ठीक है. देखो हमारा चैनल चल रहा है, इस पे आओ, वेदांतु मैथ्स पे वीडियोज पे आओ, ठीक है. नीचे देखो,
तो ये क्या था, हाउ टू फोकस, है ना बेटा, केमिस्ट्री चल रहा है हमारा, फिजिक्स भी चल रहा है, ठीक है। देखो L3 हो गया, ये चल रहा है, L2 भी होगा, L2 भी होगा से पॉपुलेशन का, है ना, L1 भी होगा, कहां गया L1 मेरा, यस, ठीक है बेटा। तो मेक यूज ऑफ ऑल दीज क्लासेस बिकॉज आपके लिए ही बनाया है, ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नॉट नीड एनी ट्यूशन, इवन अ सिंगल ट्यूशन, ठीक है। मेक यूज ऑफ दिस क्लास एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन द वेदांतो क्लासेस, मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप पढ़ भी सकते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए, टेस्ट चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए, है ना, वेदांतो का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप एनरोल कर सकते हो, ओके। तो कीप स्माइलिंग गाइस, आई सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ लव, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लीव अ हार्ट, और होमवर्क क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, टेक केयर एंड बाय बाय।